जिला बिलासपुर में सदर क्षेत्र के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया है कि बिलासपुर पॉली क्लिनिक पशु औषधालय के भवन निर्माण की धनराशि कांग्रेस कार्यकाल में 2017 में मंजूर की गई थी, लेकिन हैरानी की बात है कि भाजपा सरकार में 2017 से लेकर 2019 तक इस कार्य को शुरू तक नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब कांग्रेस ने जब इस मामले को पैरवी करते हुए विरोध किया तो एमएलए के चहेते ठेकेदार आशीष ढिल्लो ने बिना किसी टेंडर के पशु विभाग की जमीन पर 90 पेड़ों को काट दिया तथा बिना किसी विभाग की अनुमति के जमीन में जेसीबी लगाकर कटिंग भी कर दी, जो कि सरासर गैर कानूनी है। जिला बिलासपुर में सदर क्षेत्र के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया है कि बिलासपुर पॉली क्लिनिक पशु औषधालय के भवन निर्माण की धनराशि कांग्रेस कार्यकाल में 2017 में मंजूर की गई थी, लेकिन हैरानी की बात है कि भाजपा सरकार में 2017 से लेकर 2019 तक इस कार्य को शुरू तक नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब कांग्रेस ने जब इस मामले की पैरवी करते हुए विरोध किया तो एमएलए के चहेते ठेकेदार आशीष ढिल्लो ने बिना किसी टेंडर के पशु विभाग की जमीन पर 90 पेड़ों को काट दिया तथा बिना किसी विभाग की अनुमति के जमीन में जेसीबी लगाकर कटिंग भी कर दी, जो कि सरासर गैर कानूनी है। नियमों और कानून को ठेंगे पर रखने वाले भाजपा के ठेकेदारों के हौसले बुलंद है तथा वे ऐसे कृत्यों को करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने सवाल उठाया कि डिप्टी डायरेक्टर पशु विभाग की जमीन पर ठेकेदार ने पेड़ कैसे काट दिए और पेड़ों की लाखों रुपए की लकड़ी कहां पर गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किसकी मिलीभगत से ये पेड़ काटे गए। उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग पर सवाल किया कि वो बताएं कि जब पशुपालन विभाग की जगह पर कटिंग का कार्य ही नहीं बचा है तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने कटिंग का टेंडर क्यों लगाया है। ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए चोर बाजारी जारी की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहा, अन्यथा वो पीडब्ल्यूडी विभाग व पशुपालन विभाग के दफ्तर के सामने धरना देंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। लोक निर्माण विभाग ने अभी दो दिन पहले पशु औषधालय डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर कटिंग करने का एक टेंडर लगाया हुआ है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब वहां पर कटिंग का काम है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक ठेकेदार आशीष ढिल्लो ने एक महीना पहले बिना किसी परमिशन के डिप्टी डायरेक्टर पशु विभाग कि मिली भक्त से उस जगह पे करीब 80-90 पेड़ काट दिए और वहाँ पे कटिंग भी कर दी है बिना किसी टेंडर के, तो आज पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट किस लिए वहाँ पे टेंडर कर रहा है, किस आधार पे उन्होंने वहाँ पे टेंडर किए हैं ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बताए। ये घोटाला क्यों किया जा रहा है, वहाँ पे कटिंग करने को नहीं है, पेड़ काट दिए गए हैं बिना किसी परमिशन के, वो पेड़ कहाँ गए और कटिंग किसकी परमिशन से हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी इंक्वायरी करें, ये बहुत लूट खसूट इस डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है। ये ठेकेदार बेलगाम हो चुका है, राजनीतिक दबाव के चलते एमएलए का खासम खास है। एमएलए साहब ये बताएं कि आपके ठेकेदार को किसने परमिशन दी कि पशु औषधालय के पास वो वहाँ जमीन का भी समतल कर दे और वहाँ के पेड़ों को भी काट करके अपने घर ले जाए, ये किसने परमिशन दी, ये किसका दबाव था। और आज फिर जब वहां पे कटिंग करने को है ही नहीं तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट उस जगह का 5-6 लाख रुपए का टेंडर किस लिए लगा रहा है, किसके लिए लगा रहा है, ये घोटाला है। इस घोटाले को रोका जाए और यदि इस घोटाले को नहीं रोका जाएगा, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने बिना काम के वहां पे वो टेंडर 5-6 लाख रुपए का उसको यदि दे दिया तो हम अनिश्चितकालीन धरना पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के बाहर भी देंगे और उस डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करे जिसकी जमीन में एक ठेकेदार, एक बेलगाम ठेकेदार जो है विधायक का चेता है, वो किस आधार पर किसकी मिली भक्त से वहां पर वो पहुंच गया और कैसे उसने जो है पशु विभाग के डिपार्टमेंट की पेड़ों को काट दिया और वो पेड़ कहाँ गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है, इतनी चारों तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं पूछ रहा है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट घोटाले में स्लिप्त है, पशु विभाग का डिपार्टमेंट घोटाले में स्लिप्त है,
एमएलए साहब का उसको पूरा संरक्षण है, कोई इसमें आगे नहीं आ रहा है, कोई जो है अपनी जबान खोलने को तैयार नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी निवेदन है कि इसकी इंक्वायरी करें, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे और दोनों दफ्तरों का घेराव करें।